शहर के शोर शराबे से एकदम दूर एक सुनसान जगह पर एक घर था। वहां पर कुछ दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऐसे ही खाना वाना खाकर गप्पे मारते हुए बाहर कॉफी पीते हुए बैठे थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन सबको नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन्हें मिलना चाहता है। और वो आदमी धीरे 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 घर के अंदर घुसकर बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ये सब लोग अपनी बातों में मदहोश थे। और उसने काले कलर का कोट पहन रखा था, उसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खून सवार था। और वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है, और वो इन सबके एकदम करीब आ चुका था। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर जाकर रुकी कि उस शैतानी आत्मा ने अपने पहले शिकार को पकड़ा। शांतनु, तू? अरे हाँ यार, मैं ही हूँ। तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो? तू ही आया कैसे? अरे यार, दरवाजा खुला था, मैंने तुम लोगों की आवाजें सुनी तो चला है। नहीं, मेरा मतलब मैंने तो तुझे यहाँ बुलाया नहीं, फिर तू यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है यार? देख शांतनु, अब हमारे और तुम्हारे बीच में वो दोस्ती नहीं रही, और ना ही हम तुमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे पर अगर तुम लोग मुझे बुलाते नहीं तो मैं क्यों आता? किसने बुलाया तुझे? टीना ने तो अपनी कहानी सुना के मुझे बुलाया। टीना? शांतनु, तुझे कितनी बार कहा? राहुल, कितनी बार आके टीना से दूर रह कर? राहुल, राहुल, पिछली बार की तरह दोबारा तूने मेरी बेइज्जती की, अब तू देख मैं क्या करता हूं। देख शांतनु, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, गुस्से में भूल गया, भूल जाना, I'm sorry, माफ कर दे। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा राहुल, अब मेरी बारी, अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल चल निकल यहाँ से। ए अभी, अरे देख लेंगे क्या बिगाड़ता है, चल फूट यहाँ से। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू तो गया। शांतनु मेरी बात, शांतनु मेरी बात सुन, शांतनु। मैं यहाँ चुप रहकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तुम तो देर रात तक काम करते हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कुछ कर पड़े इसका पीछा करना। We'll be right back.
सुनो ऐ शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ शैतानी शक्ति, शैतानी शक्ति आ जाओ, आ जाओ शैतानी शक्ति मेरे पास आओ, आ कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ, यहाँ अपने कमरे में कैसे आ गया? मैं तो वहाँ वो शांतनु। हाँ, शांतनु ही तुम्हें कल रात को घर लेकर आया था। क्या? उसने कहा कि तुम रास्ते पर बेहोश मिले। क्या हुआ क्या था तुम्हें? नहीं, ये झूठ है। टीना, तुम जानती नहीं हो। हेलो राहुल, अब कैसे? अच्छा हुआ तुझे होश आ गया, वरना आज की पार्टी की तो पूरी बैंड बज जाती। कौन सी पार्टी? तुझे पता नहीं? अरे आज राहुल की बर्थडे। वैसे कड़ा अच्छा हुआ जो तूने उसे बचा लिया, वरना। हाँ, इसीलिए अगर तुम पुरानी बातों को भुलाकर राहुल की बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं जरूर आऊंगा। अभी चलता हूँ, शाम को मिलते। वैसे हैप्पी बर्थडे राहुल, अपना ख्याल रखना। फोन भी स्विच ऑफ है, ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। अपनी पार्टी में भी कोई इतना लेट आता है क्या? हाय राहुल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। राहुल कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी तुमने। वो मैं। एनीवेज चलो अभी केक काटते हैं, चलो। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। कहाँ थे अब तक? मैं खाऊंगा ये। हैप्पी बर्थडे राहुल। राहुल, बड़ी अजीब पेंटिंग है, कितनी सुंदर भी है, किसने भेजी है? कमाल के दोस्त है राहुल के। ये क्या हो रहा है?
हो रहा है? कुछ नहीं, देखे जरा बर्थडे बॉय अपने हाथों पे क्या लिखवा के लाए। ये क्या है जी? आज तुम्हारे जन्मदिन के बाद से तुम्हारा समय बदल जाएगा। बहुत बुरा साया है तुम पर। राहुल जी, आपकी दादी आई। किसकी दादी? आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो जानते ना कि मैं अकेले रहता हूँ। लेकिन वो तो कह रही थी कि आपकी दादी है और आपका सारा सामान लेकर के गई। मेरी दादी? क्या हो गया? किराने वाला पागल हो गया। दरवाजा बाहर से लॉक है, अंदर कोई नहीं है। अरे मेरी दादी कहां से आ गई? कि किराने वाला भी ना। ये
तो कोई नहीं है। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, और बाहर जाते हुए घर तो ढंग से बंद कर जाता, पता है दरवाजा खुला था रावण। आप हैं कौन और मेरा नाम कैसे जानती हैं? बेटा तू अपनी दादी को नहीं पहचानता, पहचानेगा भी कैसे, गलती मेरी है, मैं ही तुझे मिलने नहीं आई। तुम्हारे पिताजी गांव से शहर चले गए, तब से मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, किसी को नहीं देख पाई। लेकिन मेरे माँ बाप तो वो एक्सीडेंट में। मत बोल, मत बोल, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, तभी तो उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित करने आई हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद तुम्हारा पता मिला है मुझे। क्या हुआ बेटा, अपनी दादी को देखकर खुश नहीं हो? बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, और मेरा बेटा तो तू ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है इस दुनिया में। हाँ नहीं, तू मेरी चिंता मत कर, मैं इस छोटे से कमरे में रहूंगी, तेरे साथ रहूंगी। ये अचानक मेरी दादी कहां से आ गई, ये सब हो क्या रहा है? भैया, राहुल भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है, दरवाजा। भैया मजाक मत करो, कहाँ हो आप, ये कैसे मजाक है? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया यार, जरूर कोई गड़बड़ है। राहुल भैया, भैया राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल
की आवाज, कौन हो सकता है? ईशा, ईशा क्या हो गया? ईशा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राहुल, मेरे बच्चे, इस घर में कुछ है। मैंने अपनी आंखों से एक आत्मा को देखा यहाँ, बहुत ही बुरा साया। उसी ने मेरी बच्ची को खून कर दिया। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये सब शांतनु कर रहा है, शांतनु। राहुल, ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब वो आत्माएं कर रही हैं, और इन सब के पीछे शांतनु का हाथ है। उन आत्माओं ने मेरी बहन को मारा है, और वो मुझे भी मार दे। दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। टीना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी को कौन संभालेगा? हाँ, तुमने बताया था उनके बारे में फोन पर, लेकिन कहाँ है वो? नहीं नहीं दादी, ये टीना है, मेरी होने वाली पत्नी। और टीना ये मेरी दादी। बहुत सुंदर है, तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। राहुल, ये तुम्हारी दादी है? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ राहुल, मैंने इन्हें जरूर कहीं देखा है। मुझे इनका चेहरा याद है, पर कहाँ देखा है? टीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दादी को कैसे देख सकती हो? वो अभी भी तो गांव से आई है। गांव से आई है? हाँ। चाय। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सॉरी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ टीना, तुम ठीक तो? राहुल, तुम अभी चलो, मैं सब समझा दूंगी। टीना, मेरी चलो, प्लीज ना। बात तो टीना मेरी बात तो सुन। टीना, ओ कम ऑन टीना, कहाँ खींच करके जा रही हो मुझे? दादी माँ क्या सोचेंगी? राहुल, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यही तुम्हारी दादी है?
टीना, टीना उन्हें मेरे बारे में पता है, ईशा के बारे में पता है, मेरी मॉम डैड के बारे में पता है। अगर वो मेरी दादी नहीं है तो उन्हें सब कैसे मालूम है? और तुम्हें क्या हो गया अचानक? राहुल, मैं बता, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो, प्लीज राहुल चलो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, यहीं रुको, कहीं जाना मत। करके सबको मारा, पहले ईशा को मारा, फिर टीना को भी मार दिया, अब दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ, I
अरे वाह, यहाँ भी नहीं। अब तो सिर्फ स्टोर रूम ही बचा है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी, दादी की तस्वीर, दादी को फांसी दी गई थी। इसका मतलब ये सब दादी की आत्मा कर रही है। ये दिया किसने, आए कहां से? शांतनु, ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा, शांतनु को इसके बारे में सब पता होगा कि ये सब कुछ शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा। ये क्या हो? मैं एक दिन में बोला कैसे हो? जो ये सब कुछ कर रही हो, पहले मेरी बहन ईशा को मारा, उसके बाद टीना को मारा, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, कैसे हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु। अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ऐसा मत कह। शांतनु, मैं जानता हूं कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे, प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूं जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बताता है। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले, चल चल जल्दी कर, वरना वो आत्मा मुझे नहीं मार देगी। चल चल। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आया उसे? क्यों ले आया वापस इसे? क्यों? क्यों? ले जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहां वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहां? क्यों? और तुम यहां क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे। प्लीज बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे वो? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है, गांव में वो औरत एक अनाथ आश्रम चलाती थी, पर बच्चों से नफरत करती थी, हर बात पर उन्हें डांटती और पीटती थी। और एक दिन उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता और
औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता है। ये कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहां इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी गई। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? तुझे यहाँ तक लाने के लिए। शांतनु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? तेरी मौत तक मैं ही तुझे लाया हूँ। उस दिन तेरी जान बचाई सिर्फ तेरे घर ये पेंटिंग पहुंचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। और इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं वो आप तो नहीं?